तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम जो ब्लाउज कटिंग करेंगे वो है कॉटन वाला ब्लाउज। देखिए, बॉर्डर है साइड में, बहुत ही प्यारा बॉर्डर है और कॉटन वाला ब्लाउज की कटिंग है। तो देखिए, हम जब भी आप लोगों को बोलते हैं कि आप शुरू शुरू में अगर ब्लाउज कटिंग सीख रहे हैं तो हमेशा कॉटन वाला ब्लाउज में ही कटिंग कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि बॉर्डर वाला कपड़ा ही हो, कॉटन कपड़ा होना चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो ये वाला कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है, कॉटन वाला कपड़ा। तो मेरा जो ब्लाउज का साइज होगा वो 32 साइज वाला ब्लाउज है और डबल कटोरी कटिंग वाला ब्लाउज बताएंगे आप लोगों को। एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, पीछे साइड वाला कैसे कटिंग कीजिएगा, डबल कटोरी कैसे कटिंग कीजिएगा, कटोरी का साइड वाला पल्लर कैसे कटिंग कीजिएगा, सारा कुछ बताएंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्किप बिना किए देखिए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले कपड़ा को जो है हम फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड में, और ध्यान दीजिएगा जिधर मेरा बॉर्डर है वो साइड कमर तरफ होगा, इसलिए नीचे तरफ होगा। देखिए, इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे पहले। तो फ्रेंड्स, देखिए ब्लाउज का जो कपड़ा है उसको पहले हम डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। अब देखिए, मेरा जो साइज था ब्लाउज का, साइज था 32 साइज वाला ब्लाउज था। तो देखिए, 32 का आधा कितना होता है वो पहले ले लीजिएगा। तो देखिए, 32 का आधा होता है 16 और 16 का आधा होगा आपका 8। तो देखिए, 8 पहले हम ले लेंगे यहाँ पे। देखिए, 8 पर दाग दे देंगे, देख दिए। अब 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे मार्जिन के लिए, ले लिए हैं मार्जिन टक्स दोनों के लिए। अब देखिए, ब्लाउज का जो मेरा लंबा होगा वो हम लेंगे 13 इंच। देखिए, हमेशा अगर आपको नीचे तरफ फोल्ड करना होगा तो आप लीजिएगा 14 इंच, लेकिन मेरा जो है, देखिए बॉर्डर वाला कपड़ा है इसलिए हम नीचे तरफ फोल्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे जितना मेरा बन के तैयार रहेगा उतना ही मुझे लेना है, इसलिए 13 इंच ले रहे हैं। तो देखिए, 3 इंच, 6 इंच लेंगे हम पूरा शोल्डर और 3 इंच हम लेंगे गले के लिए। यहाँ से हम 5.5 इंच लेंगे आर्म होल, देखिए ले लिए। अब यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे। अब गला के लिए हम लेंगे, देखिए 9.5 इंच। साढ़े नौ इंच ले लिए हैं। अब इसको देखिए गोलाई का शेप दे देंगे, इसमें भी दे दिए हैं। अब जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे से हम कटिंग कर लेना है। देखिए, कटिंग कर लेंगे पहले अच्छे से। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ब्लाउज की कटिंग कीजिएगा तो ये वाला कपड़ा अच्छे से कटिंग होना चाहिए, क्योंकि इसी से मेरा कटोरी निकलेगा। इसलिए देखिए, पीछे वाला साइड हो गया। अब जो ये वाला कपड़ा है इसको हम थोड़ा इस तरफ करके ऐसे करके कटिंग कर लेंगे। ये मेरा एक तरफ का हुक लगेगा उस तरफ का पट्टी है, और एक तरफ हुक का जो घर बनेगा उस तरफ का पट्टी, दोनों तरफ का पट्टी भी कटिंग हो गया है। अब देखिए, जो कपड़ा कटिंग किए थे वहां पे जो मेरा कटोरी के लिए कपड़ा, ये देखिए, ये वाला, देखिए ये वाला जो कपड़ा बचता है मेरा आर्महोल कटिंग करने के बाद, इसमें हम निकालेंगे कटोरी। देखिए, इसके लिए हम ले लेंगे 9 इंच, यहां से लेंगे हम 3 इंच, यहां से लेंगे 2 इंच और यहां से फिर ऊपर तरफ लेंगे 2 इंच। इसको गोलाई कर देंगे, देखिए। अब यहां से लेकर के यहां तक हमको गोल देते हुए, गोलाई करते हुए देखिए इस तरीके से ले आना है।
अब जो मेरा ये वाला कपड़ा ज्यादा है, इसमें क्या करेंगे, बीच से मुझे ऐसे करते हुए तिरछा कर देना है, इसको कटिंग करके हटा लेना है। ये वाला कपड़ा हटाइएगा तो ही अच्छे से ब्लाउज का जो कटोरी है वो अच्छे से बैठेगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये वाला कटिंग करके निकाल देना है, नहीं तो फिर बैठेगा नहीं ठीक से। देखिए अब ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको भी कटिंग करके हटा लेंगे। ये कटोरी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब जो मेरा साइड वाला पल्लर है उसको निकालना है। देखिए अब साइड वाला पल्लर निकालेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ से लेना है 3 इंच। अब यहाँ से हमको लेना है 5.5 इंच आर्मोल के लिए, इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब 5 इंच लेंगे यहाँ पे, ये वाला गले के लिए हो गया। जो हमारा पूरा लंबाई है देखिए वो मुझे लेना है 11 इंच। इसको यहाँ से सीधा करते हुए ले आना है। अब देखिए यहाँ पे जो है गोलाई कर देना है इस जगह पे। अब देखिए इस साइड से मुझे लेना है 4 इंच लेनी है। अब यहाँ से यहाँ गोल करते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है। देखिए ये मेरा साइड वाला पल्लर है, कितना आसान तरीका बताएं आप लोगों को साइड वाला पल्लर कटिंग करने का। अब जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे सेम अब कटिंग कर देना है। चलिए कटिंग कर लेते हैं। अब इसका जॉइंट था उसको भी हटा लेना है। देखिए अब जो मेरा बॉर्डर वाला कपड़ा था, देखिए ये वाला कपड़ा, इसमें हमको पहले स्लीव्स निकाल लेना है, उसके बाद तीरा और जो मेरा कटोरी का नीचे वाला कपड़ा है उसको निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आप बॉर्डर वाला कपड़ा कटिंग कीजिएगा तो जो मेरा स्लीव्स का कपड़ा है उसको पहले कटिंग करके निकाल लेना है, उसके बाद ही कटिंग कीजिएगा बाकी का। देखिए स्लीव्स भी कटिंग कर लिए हैं। अब मेरा जो कपड़ा है इससे पहले तीरा का कटिंग कर लेंगे, उसके बाद साइड वाला पल्लर का कटिंग करेंगे। देखिए ऐसे इसको रख के देखिए इसका जो लंबाई है 11-12 इंच ही है लगभग। देखिए इस तरफ से मुझे लेना है 4 इंच और इस तरफ से लेना है 5 इंच। तो इसको यहां से यहां तक तिरछा करते हुए मिला देना है। अब देखिए इसका जो जॉइंट था इसको भी हटा लेंगे। अब कटोरी का नीचे वाला साइड जो है उसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए कपड़ा को दो फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। ठीक है,
ऐसे करके कटिंग कर लेंगे। मैं कटिंग कर लिए हैं, ये हो गया तेरा। ये स्लीव्स, ये जो दोनों तरफ का पट्टी कटिंग किए थे वो वाला पट्टी हो गया, ये पीछे साइड वाला हो गया, ये साइड वाला पल्लर और ये कटोरी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।